अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने आपको हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने शरीफ़ की ज़ियारत करवाए थे, जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा होगा। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पहाड़ पे, आपकी जो मस्जिद है, आप जिधर पे इबादत करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, वो मस्जिद पे लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ पे आपकी मस्जिद है, और पहाड़ थोड़ा ही आगे आपकी इबादत गाह भी है, वो झाड़ियों में है, थोड़ा दिखने को तकलीफ़ हो रही है यहाँ से, लेकिन हम ऊपर जाके आपको वहाँ की ज़ियारत कराते हैं। तो चलते हैं आगे, ये आगे का रास्ता है, वो भी नहीं है ना, ये आगे का रास्ता है। और ये रास्ता है जाने का पहाड़ पे, जहाँ पे आपकी मस्जिद है। वैसे यहाँ पे लोग तो काफ़ी आते हैं हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श बाबा के दरबार में, लेकिन यहाँ की जो काफ़ी सारी मज़ार है नज़दीक में, काफ़ी सारी मज़ार है, लोगों को मालूम नहीं है। तो हमारा बस यही एक मकसद है कि अगर लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे हर मज़ार की ज़ियारत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ार की ज़ियारत कर सके और वहाँ पे जाके इबादत कर सके। जैसा कि हमने आपको बताया था, हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज के वालिद साहब की मज़ार भी है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोगों को ये मज़ार शरीफ की डिटेल्स नहीं पता है, और ये भी नहीं पता, मेरी थोड़ी सांस फूल रही है पहाड़ चढ़ने में। तो बस हमारा बस यही एक मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दरगाहों की ज़्यारत करा सके। और थोड़ा सी पहाड़ हम अभी चढ़ चुके हैं, मस्जिद यहाँ से नज़र आ रही है, जंगलों में है। और आपको यहाँ से खुल्लाबाद का नज़ारा जो दिख रहा होगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा है। जो नाम है खुल्लाबाद, मतलब जन्नत, वाकई में ये जन्नत जैसी ही जगह है। और ये जो गुंबद शरीफ दिख रहा है, ये हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज के वालिद साहब की मज़ार शरीफ का गुंबद है। और ये देख सकते हैं पूरा आप चारों तरफ से। तो आइए चलते हैं ऊपर, कि शाम का वक्त हो रहा है, हम भी चाहते हैं कि अंधेरा होने के पहले यहाँ से नीचे उतर जाए। वैसे यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंधेरा होने से पहले यहाँ से हम नीचे उतर जाए। यहीं से लग रहा है मुझे रास्ता, संभाल के भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। सरफराज भाई बहुत मेहनत करके ऊपर चढ़ रहे हैं, कैमरा प्रॉपर तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए नीचे का नज़ारा, यहाँ से एक बार वापस दिखा देते हैं हम आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हज़रत ख्वाजा ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना शरीफ भी पूरा नज़र आता है, और खुल्लाबाद शरीफ लगभग से पूरा नज़र आता है। और ये नीचे गुम्बद हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदराज के वालिद साहब का है। आधा पहाड़ हम लोग चढ़ गए हैं ऊपर, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। और ये हमारे सामने है मस्जिद हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये मस्जिद तामीर की करवाई थी यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लगभग ऊपर पूरी तरीके से पहुंच गए हैं, देख सकते हैं घास वगैरह और मस्जिद शरीफ।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद पे पहुंच गए ऊपर पहाड़ी पर, हजरत जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद शरीफ पर। और ये मस्जिद है जहाँ पर हजरत जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह आप नमाज अदा फरमाया करते थे। देख सकते हैं आप यहीं पे नमाज अदा फरमाया करते थे, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। जब यहाँ से अपना नज़ारा भी देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। जो नज़ारा है खुलदाबाद जो कहा गया है जन्नत, बिल्कुल यहाँ से आप देखेंगे तो ये जन्नत ही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो नज़ारा है, नीचे एक झील है देख सकते हैं, शाम का वक्त है चारों तरफ से। और काफ़ी जगह पे आपको यहाँ पर पूरे खुलदाबाद में ऐसे गुंबद, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, ऐसे गुंबद ही है यहाँ पे ज़्यादातर पूरे खुलदाबाद में। और ज़्यादातर मज़ार शरीफ करीब में ही है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ार पर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सब नज़दीक नज़दीक में ही है। आपको हमने दिखा दिया कि जरजरी सरबख्श रहमतुल्लाह अलैह के जहाँ पर आप नमाज अदा किया करते थे वहाँ की ये मस्जिद है। और ये खुलदाबाद आप देख सक रहे होगे कितना खुशनुमा माहौल है, चारों तरफ से पहाड़ के। और अभी हम आपको लेके चल रहे हैं आपकी इबादत गाह पर, जहाँ पर आप बैठकर इबादत फरमाते थे हजरत जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह। थोड़ी सी ही दूरी पे है यहाँ से। खुलदाबाद की हवा में ही जादू है, यहाँ के नज़ारे बहुत खुशनुमा है माशाल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे बाबा यहाँ इबादत किया करते थे, बाबा की इबादत का, तो आप अंदर चल के देखते हैं कुछ। हज़रत जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की इबादत का, यहाँ पर आप बैठ के इबादत फरमाते थे पहाड़ी के ऊपर। मस्जिद तो आपने आपकी देखी ली, और देखिए यहाँ पर जाली लगी भी है और कड़ी है, कुंडी है, तो खोल के यहाँ पर ज़रा देखते हैं अंदर से। चलो सिम तो अंदर से ये देख लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ये गुफा में हज़रत जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह आप बैठ के यहाँ पर इबादत फरमाया करते थे। सरफराज भाई अंदर जा कर के थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखा देंगे यहाँ की। आप देख रहे हो हम अंदर आ चुके हैं, ये बाबा की इबादत गाह है। यहाँ पे आप बिल्कुल एकदम खड़े ही नहीं हो सकते, यहाँ आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा अंदर। जैसे ये आप देख रहे हो ये बिल्कुल हमारे, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते हो,
तो बाबा यहीं पे बैठ के इबादत किया करते थे अल्लाह की। आप देख सकते हैं। सरफराज भाई देखिए अंदर खड़े हैं यहाँ पे गुफा में जा करके, अभी आपको कुछ बताएंगे गुफा के बारे जैसे में। कि आप यहाँ एकदम बिल्कुल खड़े होके एकदम अच्छे से नहीं जा सकते, थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा। ये बिल्कुल गुफा है जहाँ बाबा बैठ के इबादत किया करते थे अल्लाह रसूल की, और ये यहाँ यहाँ तक है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ बैठ के बाबा इबादत किया करते थे। तो आज हमने आपको ज़ियारत कराई हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद, आप जहाँ पर नमाज़ अता फ़रमाते थे, और आपकी बैठक जैसे हमारे पीछे, आप जहाँ पर इबादत अता फ़रमाते थे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।